सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के 14 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और इसी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं अप्रैल के महीने में रिलीज होने वाली दो बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में हम बात करने वाले हैं जॉन अब्राहम की फिल्म रॉ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। वही दोस्तों बात करने वाले हैं सुपरस्टार संजय दत्त, वरुण धवन, आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित की फिल्म कलंक के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस साल आने वाली एक और पीरियड ड्रामा फिल्म कलंक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसके लीड में आपको कई सारे सुपरस्टार्स नजर आने वाले हैं। जी हाँ, अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के बारे में तो बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म में आपको 90s में सबसे ज्यादा पसंद की गई संजू बाबा और माधुरी दीक्षित की जोड़ी नजर आएगी। वही दोस्तों आज की यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ी वरुण धवन और आलिया भट्ट भी नजर आने वाले हैं, और इनके साथ नजर आने वाले हैं यहाँ पर आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं यहाँ पर अभिषेक बर्मन, जो कि इससे पहले स्टेट जैसी काफी अच्छी फिल्म बना चुके हैं। वहीं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर करण जौहर। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है लगभग 80 करोड़ रुपए, और यह फिल्म रिलीज होने वाली है 17 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के पहले दिन की तो जैसा कि इस फिल्म के गाने आए हैं और जिस तरह का इस फिल्म का ट्रेलर आया है, इस फिल्म का काफी अच्छा बज बनता नजर आ रहा है। और दोस्तों ये फिल्म बताई जा रही है 40s के बैकड्रॉप के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म बन जाती है, और ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 17 से 18 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है, जो कि एक काफ़ी बड़ी ओपनिंग होगी। और दोस्तों अगर इससे ज़्यादा अगर ये फिल्म ओपनिंग ले लेती है तो ये फिल्म इस साल की हाइएस्ट ग्रोसर फिल्म भी बन सकती है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं सुपरस्टार जॉन अब्राहम की फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर यानी कि रॉ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, जो कि एक इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर रॉबी ग्रेवल। वही दोस्तों इस फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ नजर आने वाली है मौनी रॉय और जैकी श्रॉफ। बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म में पहले सुशांत सिंह राजपूत को लिया गया था, लेकिन कुछ कमिटमेंट के कारण से उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दी है और अब यहाँ पर आए हैं जॉन अब्राहम। तो दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बारे में तो बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म का जो टीजर था उसे तो काफी पसंद किया गया है। वहीं इस फिल्म के काफी सारे लुक्स आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो ट्रेलर आया है उसे भी काफी पसंद किया जा रहा है, और जॉन अब्राहम के काम की काफी तारीफें हो रही है। तो बता दें दोस्तों कि यहाँ पर जॉन अब्राहम आजकल काफी सारी देशभक्ति वाली फिल्में कर रहे हैं, जैसे कि उनकी पिछली फिल्म आई थी परमाणु, जो कि एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। वही दोस्तों अब वो लेकर आ रहे हैं फिल्म रॉ। तो दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के पहले दिन की तो दोस्तों इस फिल्म के साथ यहाँ पर एक और फिल्म क्लैश हो रही है जिसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी, और बॉक्स ऑफिस पर अभी अक्षय कुमार की फिल्म केसरी भी चल रही है। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म को लगभग 1800 से 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा सकता है, और ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी कमाई मानी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर परमाणु फिल्म है, उसने कमाए थे अपने पहले दिन लगभग 7.5 करोड़ रुपये। वहीं दोस्तों बात करें यहाँ पर रॉ की तो रॉ का उस तरह का बज नहीं बना हुआ है, और ये फिल्म अपने पहले दिन लगभग 6 से 7 करोड़ के बीच की कमाई कर सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में 3600 स्क्रीन्स मिली थी, वहीं ओवरसीज में इस फिल्म को मिली थी 600 स्क्रीन्स। और दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन काफ़ी ताबड़तोड़ कमाई करते हुए कमाए थे 21 करोड़ 6 लाख रुपए। दोस्तों बता दें कि इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया था, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिलने के कारण इस फिल्म का जो वीकेंड कलेक्शन था वो भी काफ़ी अच्छा रहा था, और इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीकेंड में कमाए थे 78 करोड़ 7 लाख रुपए, जो कि इस साल रिलीज हुई फिल्मों में सबसे बड़ा वीकेंड कलेक्शन था। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के फर्स्ट वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में भी कमाए थे 105 करोड़ 86 लाख रुपए, जो कि इस साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभी तक की फिल्म है। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के सेकेंड वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने सेकेंड वीकेंड में भी काफ़ी अच्छा होल्ड किया है। यहाँ पर दो नई फिल्में रिलीज हो चुकी है, उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर केसरी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और पहले देखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग सेकेंड वीकेंड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो बता रहे दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने 9वें दिन कमाए थे 4 करोड़ 45 लाख रुपये,
दसवें दिन कमाए थे 6,45,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों इस फिल्म के जो 11वें दिन के कलेक्शन थे उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी और इस फिल्म ने कमाए थे 8,25,00,000 रुपए। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 12वें दिन यानी कि वर्किंग डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों जहां पर नई फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वहीं दोस्तों केसरी अपने दूसरे हफ्ते में भी काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है और काफ़ी अच्छे होल्ड के साथ इस फिल्म ने अपने 12वें दिन में कमाए थे 3,27,00,000 रुपये। इस तरह से इस फिल्म का जो 12 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो हो चुका था 128,28,00,000 रुपये। बात कर ले दोस्तों इस फिल्म के 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जिस तरह का होल्ड ये फिल्म कर रही है, ये फिल्म काफ़ी लंबी चलने वाली है और इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो तकरीबन 160 से 170 करोड़ के बीच का आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने 13वें दिन भी काफ़ी अच्छा होल्ड किया है और इस फिल्म के 13वें दिन के कलेक्शन रहे हैं 3,15,00,000 रुपये, जो कि एक काफ़ी अच्छा होल्ड है। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के 14वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बताएं दोस्तों कि आज इस फिल्म का 14वां दिन चल रहा है और ये फिल्म आज भी काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुई है, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, आज भी इस फिल्म की जो ओपनिंग है वो काफ़ी तगड़ी रही है और ये फिल्म आज भी लगभग 2,80,00,000 से लेकर 3,10,00,000 रुपये के बीच की कमाई कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका होगा लगभग 135 करोड़ रुपये। तो दोस्तों इस लिहाजा से ये फिल्म अक्षय कुमार सर के करियर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। इससे पहले है 2.0 जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 190 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है हिंदी में। वही दोस्तों उसके बाद थी यहाँ पर टॉयलेट एक प्रेम कथा जिसने कमाए थे 134 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर केसरी अब नंबर 2 पर आ जाएगी जिसका कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 135 करोड़ रुपए और दोस्तों ये फिल्म हो चुकी होगी सुपरहिट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को मिली थी मात्र 600 स्क्रीन्स, लेकिन 600 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बाद भी इस फिल्म ने काफ़ी अच्छी कमाई की है और दोस्तों ऑडियंस इस फिल्म को काफ़ी पसंद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कमा चुकी है 190 करोड़ रुपए, जो कि एक काफ़ी बड़ा कलेक्शन है और दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है सुपरहिट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म केसरी को बॉक्स ऑफिस पर पीछे कर पाएगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।